आदेश जय श्री महाकाल। तांत्रिक तरंग गुरु चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा, बहुत जन बहनों ने मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं, गुरु जी आपके वीडियो आ रहे नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि वीडियो इसके वास्ते नहीं डाल रहा हूँ मैं, कि कुछ मेरे काम से और कुछ तंत्र साधना में ज़रा सा बिजी रहता हूँ। पूजा पाठ में अनुष्ठान किया करते रहता हूँ मैं, उसके लिए ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके क्या कौन सा हीरो होना चाहिए, साधना के ऊपर हीरो होना चाहिए तो मैं साधना के लिए हीरो डालना शुरू करूँगा, और तुम्हारे को और काय के ऊपर हीरो होना चाहिए वो मुझे कमेंट करो, आपको मैं हीरो डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो मुझे बहुत सारे भाइयों को मैसेज आते हैं कि गुरु जी हमारे को ऐसा वशीकरण बताओ। अभी जैसे होली आ रही, साल में एक बार होली आती है तो उसमें बहुत सारे तंत्र क्रिया करते हैं लोग, और होली के दिन तो बहुत बढ़िया वशीकरण बनता है। होली के दिन का वशीकरण मैं आपको जो बताऊंगा तो वो माया जाल की इससे पे बताऊंगा, क्योंकि माया जाल मैं ज़्यादा करके क्यों बताता हूँ, क्योंकि माया जाल से ज़्यादा रिजल्ट आता है और जल्दी रिजल्ट आता है। वो वशीकरण में भी काम आता है और तुम्हारे मोहिनी में भी काम आता है, वो हिसाब से मैं आप बताने की कोशिश करता हूँ। तो माया जाल, तो सफ़ेद माया जाल सबसे ज़्यादा काम आता है। मुझे भाई ने पूछे, भाई काला माया जाल काम आएगा क्या, सफ़ेद माया जाल लूँ? बोले मन वाला भाई, एक तो एक काम कर, सफ़ेद माया जाल रिजल्ट अच्छा देता है, काला माया जाल उतना रिजल्ट देता नहीं है। फिर भी आप होली के दिन आने वाली है, वो जो बात करने वाला होली के दिन की, उसकी बहुत रामबान है और वो काम भी करेंगे। वैसा कोई साधक होगा तो उसके लिए तो बहुत ही देखने का काम नहीं। अभी जो ये मैं बता रहा हूँ, जो अभी मैं तुम्हारे मोहिनी के ऊपर जो वीडियो निकाल रहा हूँ आज, जो मोहिनी है घर की परेशानी से दूर होना, और तुम्हारे कैसा है अभी मैं बताता हूँ। कोई घर से परेशान है, कुछ किसकी आवश में कैसे करना, घर में सास बहू का जमता नहीं है, और तुम्हारे कोई एक तरफ का प्यार है दूसरे तरफ प्यार मनाना है, या कोई तुम्हारा जैसा एक से जोड़े कोई बिजनेस वाला है, बिजनेस में बहुत सारे तुम काम करते हैं तो बिजनेस वाले को पोज अच्छी मिलना, आगे अपना सुनना, उसके लिए मोहिनी के लिए मैं ये आज वीडियो निकाल रहा हूँ। तो वीडियो में तुम्हारे को बहुत सारी ऐसी आज जानकारी मिल जाएंगी। होली की दिन की ही करना चाहिए, क्योंकि होली साल में एक बार आती है, ठीक है ना। साल में एक बार होली का दहन के लिए आती है, तो वो टाइम पे क्या कर लेना, जिसके घर में अभी देख लेना, मैं नोट कर लेना ये मैं जो बात कर रहा हूँ, जिसके घर में बहु सास का झगड़ा होता है, जिसके घर में प्यार मोहब्बत नहीं है, नफरत है, भाइयों भाइयों भाई और भाइयों में झगड़ा होता है, या कोई अपनी जिसकी दोनों का प्यार हुआ ना, उसकी शादी हो गई, उसको डबल अपने को मनाना है या प्यार डालना है उसके अंदर, तो ये आज कर सकते पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। तो ये तो नोटिस कर लेना, बाद में मैं बिज़नेस के बारे में बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो घर में कई जो बात है, जो मोहिनी की बात कर रहा हूँ उसके बाद ध्यान रखना, नोट कर लेना। पहले सफ़ेद महाजाल का बंदोबस्त करो, दूसरा होली की राख का बंदोबस्त करो, तीसरा गोरा चन लो, चौथा शमशान की राख, पांचवा जिस इंसान का फोटो क्यों नाम है उसको थोड़ा सा जला के काला कालिक करना है, जला के उसके ऊपर एक नाम लिखना है आगे वाले एक व्यक्ति का, और ये शाम में किया जाता है 10-10:30 बजे के समारोह में, और एक मेनबत्ती लेके बैठना आपने होली के दिन, जब होली दहन करते क्या वो टाइम की बात कर रहा हूँ। ये साधना है और ये बहुत खास काम करती है, मोहिनी को बनाने को रामबान काम करती है। ये जो 5 आइटम मैंने बताए थे, ये 5 ही आइटम को एक जान करना है, एक बारी कर लेना है सफ़ेद महाजाल को, जब शमशान की राख लाएंगे उसमें डाल देना है चुटकी भर, और चिता की राख लाने के बाद तुमने होली की भी राख उसमें थोड़ी चिता डालना है। अब जब डालते वक्त जब गोराचंद भी थोड़ा सा डाल के ये सब मिला के वो फोटो की राख भी बना के उसमें मिलाना है, इसकी गोली बनाना है। आप गोली बनाए तो जिसको तुम खिलाएंगे वो वशीभूत हो जाएगा, जब वशीभूत हो जाएगा आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन के अंदर बनना शुरू हो जाएगा, 21 दिन में फाइनल हो जाएगा, अपन 21 दिन पकड़ के चलो। तो जिसको तुम खिलाएंगे वो, क्योंकि होली के दिन की जो साधना जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ होली के दिन ही तैयार किया जाता है,
आम दिन में नहीं तैयार होता है, इतने पावरफुल, जैसा जिसका चलता नहीं उसका आज ये चलना भी शुरू हो जाएगा। अभी तो होली आ गई तो होली की तैयारी पहले से लगो, होली में बहुत सारे वशीकरण और किया जाता है। ये तो होगा घर में का, बहू सास का झगड़ा होगा तो उसको ये खिला दो, ये बस में हो जाएंगी, बहू सास एक मैत्रीन की जैसा रहना शुरू करेंगी, घर में झगड़ा होने का चांसेस नहीं, ठीक है ना। ये होगा अब बिजनेस के लिए, जिसका बिजनेस है, जिसका बहुत सारा बिजनेस है, बॉस है, या अच्छे पोस्ट पे जाना चाहता है, या अपनी पोस्ट पाना चाहता है, वो आदमी अपने हाथ में आना, अपना सुनना, अपन जो बोले वो पोस्ट पे रख सकते हैं आपको, वो उसके लिए ये जो बताने वाला हूँ वो है वशीकरण। वशीकरण है, अब ये वशीकरण तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम बताने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है मेरा ये, ठीक है ना। अभी इसके बाद दूसरा जो भाग निकलेगा होली का तो यही देख लेना, वो बॉस के ऊपर मैं वशीकरण निकाला, बाकी के मैं आई बटन में डाल दूंगा, मोहिनी के वशीकरण के बहुत सारे हीरो है। और मैं इसके बाद जो दूसरा हीरो आएगा मेरा, तीसरा हीरो जो आएगा तो एक साधना के ऊपर आएगा, होली की साधना, वो मत देखना मत भूलना, वो देखेंगे आप जो साधक लोग आए वो साधना बहुत कुछ पा सकेंगे होली के दिन। और होली के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, सब बता दूंगा मैं, ठीक है ना। आदेश, जय श्री महाकाल।